ज़ाहिर मानी रही। आज हमारा उर्दू का है जी, क्लास सेवन का, और क्लास सेवन आप लोगों का चैप्टर नंबर हम लोग कर रहे थे 13। उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको करवा दिए थे, और इसमें से कुछ एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए, और एक इसका खुलासा है जो मैं चाह रही थी कि आप लोग कर लेते ताकि आप लोगों के पास भी इसका काम कम्प्लीट हो जाता जी। बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा जी, सबसे पहले देखिएगा सफ़ा नंबर आप लोगों का है ये 67। सबक नंबर है 13-10 की बात, दुरुस्त जवाब के सामने सही का निशान लगाए। आप ये देखिए जी, चंद पोषण किस शहर का रहने वाला था? दुबई, इंडिया, चीन, चो आंचो कहाँ का रहने वाला था? चो आंचो का। ली चंद पोषण का क्या लगता था जी? सबक अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा और अगर जेहन में होगा तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि ली चंद पोषण का क्या लगता था, दोस्त, दुश्मन, पड़ोसी या मुलाजम? पड़ोसी। चंद पोषण ने ली को क्या दिया? चंद पोषण ने ली को क्या दिया? दौलत, दूध, शराब या मकान? दौलत। हौले हौले का क्या मतलब है? आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी जल्दी, तेज तेज, फौरन जी, आहिस्ता आहिस्ता। चंद पोषण बहुत बड़ा डैश था। हाँ जी, सौदागर, बादशाह, सियासतदान, साइंसदान। मैंने कहानी पढ़ी थी और उसमें आपको मैंने बताया था कि वो बहुत बड़ा सौदागर था, और सौदागर कौन होता है? तजारत करने वाला। इसके बाद आगे जी सबक का खुलासा। इस सबक में दो घरों की कहानी बयान हुई है, और एक और चीज खुलासा जो होता है वो आपने कहानी को जितना छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा उतना छोटा करके उस कहानी का जो मेन मकसद होता है उसमें आपने सिर्फ वो बयान करना होता है। इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, और अगर कहीं खुद भी लिखना पड़े तो आप लिखने के काबिल हो। इस सबक में दो घरों की कहानी बयान हुई है, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। अमीर के पास अपने घर वालों के लिए दौलत है लेकिन वक्त नहीं कि वो उनको देख सके, वो किस हाल में है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो हर वक्त मसरूफ रहता है, जबकि दूसरी तरफ गरीब घराना है और उसके सरबराह के पास अपने घर वालों के लिए दौलत नहीं है लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून है। दौलतमंद की दौलत से वो सुकून नहीं खरीद सकता, लेकिन गरीब होने के बावजूद वो चैन की नींद सोता है, दिन भर मेहनत करता है और जो कमाता वो खा लेता है। इसीलिए अमीर ने जब गरीब को दौलत दी तो उसने लौटा दी, क्योंकि उसको लगा ऐसे उसका सुकून तबाह हो जाएगा। और एक और बात, अल्लाह पाक ने हर एक इंसान के अंदर, हर एक के अंदर अलग अलग खसूसियात, लेकिन वो अभी इस टाइम मुमकिन नहीं है, टाइम इतना नहीं, वो लंबी
लंबी वीडियो हम बना सकते हैं। चलिए मैं देख के फिर आप लोगों से नेक्स्ट उसमें बात करते हैं इसके बारे में।